शलभासन। शलभ एक संस्कृत का शब्द है जिसका पंजाबी विच मतलब मकड़ी या टिड्डी है। इस आसन नूं करन लई सब तो पहला तुहानूं मकरासन की स्थिति विच आउणा पवेगा, जिस लई तुहानूं अपने ढिड दे बल फरश उत्ते लेटना पवेगा अते एक दूरी उत्ते अपनिया दोहां लत्तां रखणियां पैणगियां। अपने सिर नूं अपनी हथेलियां उत्ते रखो अते शरीर नूं आराम दिओ। मकरासन स्थिति विच अपनिया दोहां लत्तां नूं इकट्ठे नाल लियाओ। हुण अपनिया हथेलियां नूं अपने शरीर दे नेड़े अजिही स्थिति विच रखो कि तुहाडी हथेलियां आसमान वल होण अते तुहाडी ठोडी फरश उत्ते टिकी होवे। गहरा साह लैंदे होए अपनिया लत्तां नूं जमीन तो उच्चा सिर्फ अपने पेड़ू दीआं मांसपेशियां दे सहारे चुको। अपनिया लत्तां नूं सिर्फ उस बिंदु तक उच्चा चुको जिथों तक तुहाडे गोडे ना मुड़न। तुसी अपनी लत्तां नूं हवा विच रखण लई अपने हत्थां दी मदद लै सकते हो। ये तुहानूं अपने शरीर नूं स्थिर रखण विच मदद करदा है। हुण इस स्थिति विच लगभग 10 तों 20 सैकिंड तक आराम नाल साह अंदर अते बाहर कढ़दिआं स्थिर रहो। यह आसन साइटिका अते कमर दे निचले हिस्से विच दर्द तों आराम विच मदद करदा है। यह पेड़ू अते किडनी दे दुआले मांसपेशियां बनाउण विच मदद करदा है। इस आसन नूं नियमित रूप विच करन नाल पटां दी चर्बी घटाउण अते अपना भार घट करन विच मदद मिलदी है। ये आसन साडे ढिड लई लाहेवंद अते पाचन प्रक्रिया विच मदद लई जाणिया जांदा है। गर्भवती औरतां अते पैप्टिक अल्सर, हरनिया, हाई ब्लड प्रेशर बीमारी वाले इस आसन नूं करन तों परहेज करन। जेकर तुसी कमर दे निचले हिस्से विच अचानक होण वाले दर्द तों पीड़त हो तां तुहानूं इह आसन करन वेले सावधानियां वरतनी चाहीदियां हन। इस स्थिति विच 10 तों 20 सैकिंड लई रुकण तों बाद अपने पैर हौली हौली साह लैंदिआं वापस जमीन ते लियाओ। मकरासन दी स्थिति विच वापस आउण तों बाद अपने शरीर नूं आराम दिओ। इह आसन तुहानूं अपने मन अते शरीर नूं शांत करन विच मदद करदा है।